खबर उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सूखा टोला से सामने आ रही है, जहां अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से एक महिला की निर्मम हत्या कर दी। आपको बता दें, आरोपियों ने महिला की हत्या उसके घर में ही की थी। हत्यारों ने महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र, कान की बाली भी लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर पंचनामा करा आगे की कार्रवाई की। आपको बता दें, एसडीओपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जाट ने जानकारी देते हुए बताया, उमरिया पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा के निर्देश अनुसार घटना में कार्रवाई के लिए फिंगरप्रिंट और डॉग सपोर्ट की सहायता ली गई है। जल्द ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा, जल्द ही हत्या का कारण स्पष्ट हो जाएगा। वहीं मृतका के पति रामकेश पासी ने बताया कि वह घर से बाहर था। घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंचे तो पत्नी का शव खून से लथपथ मिला, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में आगे की सूक्ष्म जांच आरंभ कर दी। उम्मीद है उक्त मामले में पुलिस जल्द ही अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच पाएगी। ये थाना पाली अंतर्गत वार्ड नंबर 1 सूखा में बिंदु पासी उम्र 33 वर्ष का शव उनके घर पर पाया गया था, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय उमरिया श्री प्रमोद कुमार सिन्हा सर के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए गए थे, जिसमें FSL की टीम, फिंगरप्रिंट एवं डॉग स्क्वाड की मदद ली गई है। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होता है, उपरोक्त संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लाई गई है ये मृतका का नाम बिंदु पासी, उम्र 36 वर्ष, पति रामकृष्ण पासी और निवासी वार्ड नंबर 1 सूखा। ये कल हमको मीडिया से जानकारी हुई कि इसका मर्डर हुआ है, तो आज पोस्टमार्टम भी लाया गया, तो इसमें डॉक्टर्स टीम के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया है।